स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की अगर हमें मैथ्स गिवन हो. ठीक है, इसके लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स कितने हैं आर देयर इन 40.5 ग्राम्स ऑफ HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ठीक है, यानी 40.5 ग्राम्स में, यानी कि अमाउंट हमें बता दिए, वजन में अमाउंट बता दिए. ठीक है ना, अमाउंट हमें बता दी इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं वेट. ठीक है, वजन के मुताबिक हमें अमाउंट बता दी गई है जिसको हम कहेंगे मास. तो हमें ये बता दी गई है और हमें इसमें किसने कहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी HBr अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ठीक है, इसको जिसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, किसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, MIDE. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मेरे पास 40.5 ग्राम्स जो है वो मास में, यानी कि अमाउंट में, मेरे पास ग्राम्स में ये मौजूद है. ठीक है, और हमने देखना है कि इसके अंदर इसके कितने HBr के, यानी HBr एक यूनिट है ना, ठीक है, इतना एक यूनिट है, तो इसके कितने हमारे पास इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, ये एक यूनिट है यानी कि मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 40.5 ग्राम्स अगर मेरे पास HBr मौजूद हो. ठीक है, यहाँ पार्टिकल से मुराद यही है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें करना पड़ता है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है. फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लेकर आते हैं, ये है फॉर्मूला. ठीक है, और ये इनकम्प्लीट है, इसमें हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या होता है कि हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम्स होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से. ठीक है, यानी कि मास इन ग्राम्स हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का गिवन है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मॉलिक्यूलर, सॉरी मोलर मास से. ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से. अब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23. ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू. और इसके साथ जो है, जो यहाँ पर हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होते हैं, एक मोल में, यानी कि एक मोल क्या होता है, जिस तरह अमाउंट की हमने बात की कि अमाउंट को अगर हम वजन के हिसाब से मेजर करें तो वो मास में होगी. ठीक है, यानी ग्राम्स में होगी. ठीक है, और अगर हम जो है वो काउंटिंग करें कि, तो हम काउंटिंग के लिए एक जो है वो टर्म यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं मोल, यानी कि एक मोल अगर होगी चीज पर मोल के हिसाब से देखें तो वो पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, तो वो कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो इसके साथ जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट आ रहा है वो पर मोल है. ठीक है, इसी तरह मास जो है वो ग्राम्स में, और मोलर मास यानी कि कितना मास जो है वो एक मोल में पाया जाता है. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मास जो है वो कितना है, 40.5 ग्राम्स. ठीक है, मोलर मास के लिए मैं कैपिटल एम लिख रही हूँ. ठीक है, ये कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, हम इसको जो है वो लिखेंगे HBr. ठीक है, HBr लिखा. अब H का मोलर मास क्या होता है, ये होता है 1. ठीक है, हमने लिखा 1 प्लस ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 80, हमने लिखा 80. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐड करके लिखेंगे, ये बन जाता है 81. ठीक है, और यूनिट्स क्या आते हैं, ग्राम पर मोल, क्योंकि हमने कहा ना मोलर मास होता है, एक मोल में कितना मास पाया जाता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 81 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल में. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो ये वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें मालूम ही है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, मास इन ग्राम्स पुट करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू है, 40.5. ठीक है, ये आ गई. डिवाइड करेंगे किस चीज से, डिवाइड करना है यहाँ पे, डिवाइड करना है 81 ग्राम्स पर मोल से. ऊपर हम यहाँ पे यूनिट्स में मेंशन कर दें ग्राम्स. ठीक है, और नीचे किससे हम कर रहे हैं, 81 ग्राम्स पर मोल से, 81 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर से हम देख के उतार लेंगे यहाँ से. ठीक है, 6.02, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, पर मोल, यहाँ से आ जाएगा पर मोल. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ग्राम्स जो है वो न्यूमिरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राम्स है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, यानी कि जो लाइन लगा के नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, जबकि ये जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है,
और हमारे पास फाइनली जो यहाँ पर वैल्यू आती है, हम यहाँ पर वैल्यू मेंशन करेंगे, ठीक है। वैल्यू मेंशन करते हैं, अब 40.5 डिवाइडेड बाई 81, ये सारे हम कैलकुलेशंस यहाँ से कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले क्या है, 40.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, ये किया 0.5 आया, ठीक है। अब 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर जो कि है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये हमने किया इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया 3.01 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3.01 एक्सपोनेंशियल यानी मल्टीप्लाई बाय 10^23, ठीक है। और ये क्या है, ये हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स से मिलके एक हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, या सेम एटम्स से या डिफरेंट एटम्स से मिलके जो एक आता है, यानी मोर देन वन एटम से मिलके जब हमारे पास एक सब्सटेंस आता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल या एक एंटिटी जो आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्या चीज निकाली, NO यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक है, किसके अंदर, जो के मौजूद थे, किसके अंदर मौजूद थे, ये मौजूद थे हमारे पास 40.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, ठीक